शुरू किया था मैंने, नहीं तो फिर मैंने कहा चलो मिल रहा है तो क्यों ना करें। पर आप बड़े छुपे रुस्तम टाइप के इंसान है, ऐसी चीजें छुप के ही होती है, ऐसी चीजें शर्म कौन करता है भाई, ये कमाल कर रहे हैं आप। पर यहाँ पर एक नहीं संभाली जाती, आप तो चार चार संभाल रहे हैं। नहीं देखिए वो कैसे संभाल रहा हूँ, किस तरीके से संभाल रहा हूँ, ये तो आपको फिल्म में देखने के बाद पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। वन बीवी इज इक्वल टू फांसी, आप सोचो मैं तीन तीन संभाल रहा हूँ। सो मुश्किल तो है सर, लेकिन इंट्रोडक्शन तो बनता है, प्लीज अपनी बीवियों से इंट्रोडक्शन। जी बिल्कुल, मैं अपनी पहली बीवी मेरी। अरे शिव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरी स्क्रिप्टेड है। अरे शिव, तुम्हें नहीं पता फिल्म की प्रमोशन चल रही है? ये मेरी पहली बीवी है, ये इनके साथ मैंने सबसे ज्यादा रोमांस किया है, ये एक्स्ट्रा लार्ज वाइफ है मेरी। पहली बीवी मतलब, एक मिनट तुम्हारी और कितनी बीवियां हैं? पहली बीवी मतलब मेरे मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो, मेरी ना डिक्शनरी बहुत पूर है। पहली मतलब वन एंड ओनली बीवी जो है। अच्छा। मेरी ये बीवी है, इससे हाँ। मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, बहुत लंबी है ये। अभी मैंने इसको बोला था कि तू फ्लैट पहन के आना, हील नहीं पहन के आना, इसको किस करनी हो तो लिफ्ट में जाना पड़ता है, इतनी लंबी है ये। सो ये अपना इंट्रोडक्शन अब आप दे सकती हैं। वेल हेलो एवरीवन, मैं एक्चुअली शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी कि मैं फेम एड लैब्स में ही काम किया करती थी एज अ गेस्ट रिलेशंस एग्जीक्यूटिव। आई यूज्ड टू सेल टिकट्स टू सेलिब्रिटीज एंड आज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और यहीं पर मुझे मिस इंडिया ने स्पॉट किया था और उन्होंने बोला पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, और मैंने पार्टिसिपेट किया। तुम्हें नहीं पता सामने तो बैठी हुई हो एक्चुअली। अरे डाले गए ना, पंजाब पत्रिका वाला नहीं आया था तो उसको फोन कर था, सारा मीडिया आ चुका है। सो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग वेटिंग फॉर यू। ये है मेरी दूसरी वाइफ, ये भी मेरी वाइफ है। भी मतलब ये ही मेरे थोड़ा थोड़ा है कान में प्रॉब्लम है तो मेरा मुझे लगा बैक में प्रॉब्लम थी, कान में कैसे हो गई? शाबाश, नाउ यू आर नॉट स्क्रिप्टेड। तो ये ही मेरी वाइफ है एक्चुअली। मैं इनको यही बता रहा था कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, पर ये फिर भी इनकी आदत होती है, पति जितना मर्जी अच्छा हो शक जरूर करती हैं। लेकिन मैं तो कभी शक नहीं करती, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ भगवान ऐसा पति सबको दे। मत बोला करो, भगवान कभी कोई सुन भी लेता है, और मुझे ये लगता है कि भगवान ग्लैमर्स की ज्यादा सुनता है। मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे भी ये चीजें वर्क करती हैं। मुझे मैंने एक्चुअली देखा कि बीवियां बड़ी प्रॉब्लम, कल मैं अपने शो में भी इस टॉपिक पे बात कर रहा था कि बीवियां इतने फोन क्यों करती हैं पतियों को। तो बीवियों का ये कहना था कि हम बड़ा ध्यान रखती हैं कि बेबी आपने खाना खाया यार, 25 साल 26 साल या 30 साल में आपसे शादी की, उसके पहले बेबी खाना नहीं खाता था क्या? उनकी माओ ने बल पाल के बड़ा नहीं किया? तो ये मुझे लगता है ऐसा कि ये जासूसी करती हैं शायद, पर नहीं, ये मेरी बहुत स्वीट बीवी है, बहुत ही प्रीटी है, और ये बहुत ही अच्छी है। आई लव हर सो मच। थैंक यू। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था आने से पहले भी। अच्छा हाँ। अच्छा, वो जो लंबी सी लड़की थी वो कौन थी? वो मेरी ऐसे कजन वाइफ है। कजन वाइफ? ऐसे कुछ नहीं। एनीवेज मंजरी ने काफी अच्छा फिल्म में काम किया है। एक्चुअली जितनी भी लड़कियां हमारी फिल्म में, मुझे ये घबराहट होती थी। अच्छा मस्तान भाई जो हैं, अब्बास भाई और मस्तान भाई को आप देखेंगे ना तो इतने ये सीरियस और इतने गंभीर फेस है इनका, लेकिन जब रोमांस करने का सीन है ना, राजस्थान में हम लोग कर रहे थे कहीं पे, मुझे पता नहीं था वो छतरियां वतरियां से कुछ थी। ये चीजें आपने कब सीख ली? तो मुझे बड़ा कुछ इस फिल्म में सीखने को मिला है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, सीरियसली सर। और थैंक यू सो मच मंजरी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। थैंक यू कपिल। कल डलवा के आई, बालों में वैसे है प्लेन है इसके। तो सर आपकी तीसरी जानू, देखो मैं हमारे होने वाले बच्चे के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। अगेन स्क्रिप्टेड। होने वाला बच्चा, मैं अपने बचने की तैयारी कर रहा हूँ। होने वाला बच्चा किसके बचने की किसके बचने की तैयारी कर रहे हो? अब मैं अपने बचने की तैयारी, मतलब तुम्हारे भाई से बचने की तैयारी कर रहा हूँ। एक तो इसका भाई डाउन है, ऊपर से बहरा है, तो मुझे यही डर है कहीं सुन ना ले कुछ। क्यों, आपको क्या डर है उनसे? यही डर है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसको पता ना चल जाए ना कहीं, तो इसलिए थोड़ा मैनेज। तो ये है मेरी वाइफ जो है। ये तीन का इशारा क्यों कर रहे हो आप? विक्ट्री जानू, क्या तुम विक्ट्री ऐसे होता है ना भी? अरे मैंने दो ही खड़ी की, तीसरी अपने आप खड़ी हो जाती। ये एक्चुअली ये तो अभी तो कहा तुमने कि तीसरे होने वाला बच्चा, हाँ। तो ये एक उंगली आपके लिए, एक मेरे लिए, एक बच्चे के लिए, तो इस हिसाब से ये मेरी बड़ी लविंग वाइफ है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, मुझे संभाला नहीं जा रहा, बहुत स्वीट है। ये भी काफी लंबी है, चुन चुन के लड़कियां लाए हैं पास में, लंबी 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 सारी। सो ये मेरी वाइफ है इकलौती, तो इनसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, इनसे ही मतलब बहुत प्यार करता हूँ।
Thank you so much for having me in your life. Oh, I love you. Thank you. Thanks a lot. Sir, ho gayi thi. Ha. Anjali. Hey. Anjali. Hi. Abhi main scripted hu. मेरे पति की फिल्म का प्रमोशन चल रहा है यहाँ पे। अरे कमाल है, मेरे भी पति की फिल्म का प्रमोशन है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आपको आपके पति के प्यार का ट्रेलर दिखाता हूँ। बाय द वे मैं हूँ वरुण और मैं इस फिल्म में एक वकील हूँ। मेरे पास थैंक यू यार, आई लव यू। वो कॉर्नर में आ गया, ये अपने बंदे लेके आया घर से, इस तरह से ताली आई है, इतना भी नहीं। मैं आई एम बेसिकली प्लेइंग अ लॉयर इन द फिल्म। मेरे पास कोर्ट के केसेस कम होते हैं, भाई के चक्कर संभाल लूं वही बहुत बड़ी बात होती है। बट प्रोसेस में इतना तो सीख लिया कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है संभालना, सारा टैकल करना। बट या पाजी आपकी वापस एंट्री। यू वांट टू से समथिंग बेबी? मैं दीपिका हूं, कुमार की गर्लफ्रेंड। नहीं नहीं सही नाम बताओ। एली जी, मैं एली एवरम हूं, अभी मैं दीपिका हूं। ओके ये दीपिका है, मैंने बोल के रखा था। मैंने कहा बास भाई ठीक है, दीपिका पादुकोण नहीं है तो कम से कम इसका नाम दीपिका रख दो। कुमार, अरे कपिल, यू नो ना दीपू, आई लव यू। जी, मैं कैसा लग रहा है? मैं इनको बहुत प्यार करती हूं। जी, अभी थोड़ा सा चुपचाप हां। मैं इनको बहुत प्यार करती हूं और मैं एकदम ऑन स्क्रीन, मैं एकदम अभी ऑफ स्क्रीन भी करो, एंजॉय करो। नहीं नहीं, ये बहुत प्यार करती है, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। मैं अगर मुझे कोई कहे कि मैं स्वीडन में जाके स्वीडिश सीख जाऊं तो मुझे नहीं लगता मैं सीखूंगा। इन्होंने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बनती है सर। धन्यवाद कपिल। थैंक यू सर। मैं भी सोच ही रहा था, मुझे लगा इतने सब लोगों, मेरी माँ भी बैठी हुई है, अच्छा नहीं लगता। बट आई लव बीइंग इन द गर्ल्स मिडल। मैं आके थैंक यू सर। लड़कियों की अच्छी आती है, मेरी अच्छी लेना आप मेन, ठीक है? सब एक सेकंड ना रुके, अरबाज भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अरबाज भाई ने अपना शुरुआत एज ए हीरो फिल्म दरार से किया था। उसके बाद अरबाज भाई का ये उनके साथ गुस्सा भी था कि 20 साल बाद उन्होंने दोबारा कमबैक किया अब्बास मस्तान सर के साथ। अब ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन चुके हैं अरबाज भाई, लेकिन हमारी फिल्म में ये इनका बहुत ही मजेदार किरदार है। मुझे नहीं लगता कि अरबाज भाई को आपने कभी इतने ह्यूमरस रोल में आज से पहले देखा होगा। अरबाज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। एंड ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अपना डेब्यू किया था अरबाज भाई मस्तान भाई के साथ और दरार में 20 साल पहले। एंड उस फिल्म में वो बेस्ट नेगेटिव रोल, मुझे एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों हम कभी काम नहीं कर सके। एंड मैं हमेशा ख्वाहिश रखता था कि ये मौका मिले मुझे इनके साथ काम करने का। फिर जब मौका मिला आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड एंड इट्स सच अ नाइस रोल एंड टू वर्क विद कपिल एंड दीज लवली गर्ल्स एंड इट्स सच एन इंटरेस्टिंग रोल एंड आई एम सो हैप्पी टू डू इट एंड थैंक यू वेरी मच। एंड फिर मैंने बोला कि इस बार इसके बाद इतनी डिले नहीं होना चाहिए, 20 साल के बाद अभी 20 महीने मैक्सिमम हो सकते हैं किसी फिल्म के अंदर। अरे पास टाइम है। हिंदुस्तान में बहुत से लोग कॉमेडी करते हैं, अच्छी चीज़ है, लोगों ने हंसना शुरू किया है, लेकिन बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनमें ये मादा होता है किसी को हंसाने का। जेमी को जब मैं मिला पहली बार, लंदन से पढ़ के आई है, मुझे लगा था फॉरन से पढ़ के कहाँ आई, पर जब मैंने इनको देखा इसमें एक मिनी जॉनी लीवर है, क्योंकि ब्लड में है वो चीज़। और जॉनी